पी डी एम ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उन्होंने अपने सर पर फ़ौज का सारा गंद लिया उनका सारा मलबा लिया और इमरान में सियासी ज़िंदगी पम्प की मैंने तो सिर्फ एक पार्टी को वोट दिया है अपनी ज़िंदगी में और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है लेकिन मैंने कभी उन्हें फिर से वोट नहीं देना बिकॉज़ अच्छा। uh, मैं बहुत डिसपॉइंट हुई, हुई हूँ uh, वाद पार्टी है जिससे मैंने कभी वोट दिया है और um, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि इस्तीफ़ा जब वो आएंगे वो सीख कर आएंगे हमारे किसी बच्चे की लाश में ड्रिल से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाएगा हमारे बच्चे की लाश फेंकी जाएगी कहीं आ, हमें एक मैथ ग्रेव्स मिलेंगी ये ऐसी रियलिटी है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थोड़ा सा ये था कि क्या फ्यूचर देखते हैं आप खान साहब का देखिए सिंस आपकी अम्मी तो शायद डिस्कस करती होंगी घर पे चीज़ें वगैरह नहीं हम आज कल कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा बात इस पर ना करें वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी हीटेड हो जाती हैं लेकिन और ये मेरी फैमिली में हर बंदे के साथ यही होता है क्योंकि हर बंदे की जो राय है और जो सियासी ओपिनियन है वो बहुत मुख्तलफ है और हम बहुत स्टबर्ड हैं hmm. सब स्टबर्ड हैं oh. तो बहस बहुत होती है इंटरनली um, देखिए मुझे लगता है कि जो अभी um, इमरान खान की जो उसका सियासी तरीका है uh, वो बहुत डिवाइसिव है और वो इस पोलराइजेशन को फर्दर फ्यूल कर रहा है लेकिन जहाँ तक उसके फ्यूचर की बात है जो मुझे अभी लग रहा है ना आई कुड भी रॉन्ग पर जो मुझे लग रहा है कि जो भी उसकी तरफ आप कह दें एम्यूनेशन फेंकी जा रही है वो चिपक नहीं रही ना वो लग रही है उसे ठीक mm. है वो उससे बाउंस बैक कर पा रहा है आ, उसकी जो पब्लिक सपोर्ट है वो इंक्रीज हुई है और मैं इस कंपैरिजन से ये बात कह रही हूँ कि जब वोट ऑफ नो वो कॉन्फिडेंस का वक्त आया था उस वक्त इमरान खान बहुत अनपॉपुलर था इस हद तक के जो लोग पीटीआई को वोट देते आ रहे थे वो कैसे हम पी टी आई को कभी नहीं वोट देंगे पीडीएम ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उन्होंने अपने सर पर फ़ौज का सारा गंद लिया उनका सारा मलबा लिया और इमरान में सियासी ज़िंदगी पंप की एंड आई थिंक कि अब जो मज़ीद वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम सब को पता है कि गलत है इस तरह नहीं होना चाहिए अगर कल नवाज़ के साथ हुआ था वो भी गलत है अरतास हुसैन के साथ हुआ था वो गलत है किसी और के साथ हुआ था वो गलत है तो इमरान खान के साथ भी अगर पचास केसेस हैं वो गलत है ऐसे नहीं होना चाहिए सही बात हाँ अकाउंटेबिलिटी सब की होना होनी चाहिए तोशाखाना पे अकाउंटेबिलिटी सब की होनी चाहिए कि फ़ौज के हामी क्यों थे क्यों उनका गंदा काम hmm. किया बट ये कि आप वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो इमरान ने आपके खिलाफ इस्तेमाल की थी फिर आप में और इमरान में फ़र्क कम हो जाता है और जो आपका पूरा बयानिया है उससे भी आपने डैमेज कर दिया है और मैं इधर पी डीएम की बात करी हूँ मैंने तो सिर्फ एक पार्टी को वोट दिया है अपनी ज़िंदगी में और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है लेकिन मैंने कभी उन्हें फिर से वोट नहीं देना बिकॉज अच्छा। uh, मैं बहुत डिसपॉइंट हुई हूँ वाद पार्टी है जिससे मैंने कभी वोट दिया है और बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि इस दफ़ा जब वो आएंगे वो सीख कर आएँगे uh, और ऑबियसली क्योंकि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड एफ वी गो बैक लग रहा था कि देर स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्निंग बट उन्होंने कुछ नहीं सीखा बिकॉज़ आज भी वो वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनके साथ हुई हुई हैं वही फ़ौज के इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे हैं जो सबसे बड़े आपके इंसानी मसले हैं इस मुल्क में कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आटे के पीछे एक आटे की बोरी के पीछे लोग जलील होकर मर रहे हैं ठीक है और आपका मसला क्या है इमरान खान को अंदर करो जिस तरह इमरान खान का उस वक्त क्या मसला था इन्हें ख़त्म करो तो हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है हमारी अवाम से और अवाम के मिसाइल हाँ, से हाँ, जो भी हमारी पॉलिटिकल इलीट हो रुक सिर्फ जो इसमें एक्सेप्शन हैं एक एक दो एक्सेप्शन <laughs> वो इस तरह के हैं जैसे मोहसिन दावर साहब हैं अफ्रा सब खटक साहब हैं फ़रतुल्ला बाबर साहब हैं बुशरा गोहर हैं इस तरह की जो पॉलिटिशनस हैं जो असूली सियासत करते हैं और फिर सिविल पश्तीन अली पीटीएम इन्होंने बहुत, बहुत किया। आ, जो ये सारा वो नहीं और उन्होंने खुलूस नियत से बनाया था क्योंकि उनके खिलाफ तो तो एग्जैक्टली hmm. exactly और उससे आई थिंक कल को यही बात है ना कि कल को इनमें से किसी को ऑफर आएगी कि आप हमारे कंधों पे चढ़ के आ जाएं तो ये आ जाते हैं मसला सारा तो आपके पास जो ऑल्टरनेटिव पर है आई मैं Also, जैसे ली जान है, ठीक है? आपके बहुत पॉलिटिक्स इस तरह के हैं जिब्रान नासिर है hmm. बहुत लोग आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भी हूँ, सब रही हूं। के नाम स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रीन पे डाल दें बट बहुत पॉइंट uh, कहने का यह हैल्टर वॉइस कमिंग फॉरवर्ड और उन्हें हमें इंकरेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो सारी पोलिटिकल रीट है इससे ऑनिस्टी मेरी कोई तो नहीं भाई है। मैं तो अपना एफर्ट डाल चुका हूँ मैंने तो जुबरान नासिर के लिए कम्पेन की दो हजार अठारह में चार मोबा टैक्स भी फेस हैं। अच्छा। है ना। मस्जिदों के खुदबों में ऐलान भी होते थे मेरे नाम के तो मैं तो अपना वो कर चुका हूँ लेकिन ईमान टू भी हॉनेस्ट मेरा तो पार्लिमानी सियासत से ना बिल्कुल ईमान उड़ गया मैं मुझे नहीं लगता कि ये मजीदी हाल है क्योंकि आपने अगर एक एम एन ए बनना है तो इस्टेबलिशमेंट की एक नौकरी आप ले रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल इसका कोई वो नहीं है सो so, um, पार्लियामेंट डिस्क्रेडिट भी हुआ है अपने आप को उन्होंने डिस्क्रेडिट किया है अपने आप को वीकन किया है पार्लियामेंट शुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन योर कंट्री बट आपने country. उसे रिड्यूस कर दिया है टू जस्ट व्हाट इट इज ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो ये है कि ये लड़ाई जो है ये दो दड़ों की इस्टेब्लिशमेंट की हमारे लोग ये चीज़ नहीं समझते कि फैस की और बाजवा की लड़ाई थी और उसमें जो है अपना आ, हम ये समझ रहे न्यूट्रल हो गया उन्होंने हाथ उठाया वो ये नहीं कह रहे हम पर हाथ अब रख लिया वही बात है की दो तो धड़े है फौज के अंदर अभी तक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है फौज के अंदर जो इमरान खान को सपोर्ट करता है और इसी तरह अभी जो ruling आप एलीट है फौज की वो पीडीएम के साथ ज्यादा अलाइंड और वो सेव बाजवा कैंपेन में लगी हुई है बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। तो बहुत तो so, मुझे situation. जो हाँ और जो मुझे लग रहा है कि आपने जितने लोगों के नाम लिए ना अभी और ये जितने भी आपने नाम लिए जबरान नासिर ये जो इस मुल्क का स्ट्रक्चर है ना एक जो एक यहाँ के जो डायनामिक्स हैं सियासत के मुझे नहीं, नहीं लगता कि ऐसे लोग इतने आसानी से ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर अली वज़ीर मोसिन दावड़ ऊपर आए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी तहरीक थी कहीं मतलब ये मेरे ख्याल से सदियों में कहीं पहली बार हुआ है कि वो लोग इलेक्ट हुए हैं जो फौज को पसंद नहीं थे बिल्कुल तो ये तो नामुमकिन सी बात है क्योंकि आपका जो होता है ना सबसे पहले स्टूडेंट यूनियंस होते हैं पूरा प्रोसेस होता है एक सियासतदान का ऊपर आने के लिए वो पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है उसके बाद फिर आके वो प्रेस क्लब की भी सियासत करता है फिर आखिर में आके कहीं वो कहीं यूसी जीतता है यूसी के बाद आके वो किसी बड़ी सीट पर बैठता है लेकिन पाकिस्तान में तो हमने वो खेती <laughs> ख़त्म कर दिए जहाँ से हम ऐसे लोग निकाल सके तो प्रॉबली मुझे तो खैर कोई होप नज़र नहीं आ रही आप मुझे नहीं पता आपका क्या है लेकिन मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही होप तो है मुझे क्योंकि अगर हम होप लूज़ कर देंगे तो फिर हमारी वो बेहतर है क्योंकि ऑनेस्टली आई आई थिंक देखें आप हर रोज़ मैं बहुत डिसहार्टन होती हूँ खासकर mm. हमारी अदालतों से एंड एज अ लॉयर शायद सही भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ आई डोंट नो क्योंकि लोग तनकीद करते हैं कि आप ख़ुद अदलिया पर तनकीद करी और आप वकील हैं बट आई थिंक कि बहुत डिसहार्टन गवर्नमेंट से भी अदलिया से भी फ़ौज से तो कोई तो है नहीं अगर उसे ठीक किया जाएगा तो वो आवाम ही करेगी uh, सियासदान उन्होंने दिखा दिया कि उनके बस की बात नहीं है अवामी इन्हें वापस धक्का देगी क्योंकि और कोई नहीं कर सकता लेकिन होप मुझे इसलिए है क्योंकि अगर ये जबर है तो इस जबर के रेजिस्टेंस में समीदीन बलोच भी पैदा हुई है मारंग hmm. बलोच भी पैदा हुई है जो इन तमाम मुश्किल के बावजूद मामा के को देख ले पाँच हज़ार दिन ah, से उसका कैंप लगा हुआ है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का इस, इस, तो मुझे उम्मीद बहुत है कि इन लोगों की वजह से जो अपनी सारी मुश्किल का सामना करते हुए ऐसी मुश्किल जिनका हम तो भी नहीं कर सकते कि हम पर ऐसी चीज़ें गुजर सकती हैं कि हमारे किसी बच्चे की लाश में ड्रिल से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाएगा हमारे बच्चे की लाश फेंकी जाएगी कहीं आ, हमें एक ग्रेव्स मिलेंगी ये ऐसी रियलिटी है जो हमें